अकेडमी द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। नागपुर शहर के पांचपावली थाना अंतर्गत आने वाले कांजी हाउस में एक युवक की धारदार शस्त्र से वार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। नागपुर में क्राइम क्षेत्र में दिन ब दिन नई घटनाओं में इजाफा होता नजर आ रहा है। उसी कड़ी में 4 अप्रैल की रात 11 बजे के दौरान पंशील नगर चौक तक्षता बिल्डिंग मातुश्री इंटरप्राइजेस के पास 5 युवकों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मृतक कांजी हाउस यशोधरा नगर निवासी 24 वर्षीय उमेश नरेंद्र नंदेश्वर है, जो की ड्राइवर था। 3 अप्रैल को उमेश शादी के कार्यक्रम में गया था, जहां उसका अंशुल पांडे उम्र 20 वर्ष से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उस दिन तो मामला शांत हो गया, लेकिन अगले दिन फिर इन दोनों का टकराव हुआ पंशील नगर चौक में, जहां अंशुल अपने दोस्त शुभम गजवीय उम्र 26 वर्ष, अक्षय वासनिक उम्र 22 वर्ष, क्षितिज लोखंडे उम्र 22 वर्ष, सम्यक वासनिक उम्र 25 वर्ष के साथ मौजूद था। मौके पर इनके बीच शाब्दिक विवाद हुआ, जिसके बाद इस विवाद ने बड़ी घटना का रूप ले लिया। इसी दौरान अंशुल ने दोस्तों समेत उमेश धादा शस्त्र से वार कर दिया। जख्मी उमेश को मियो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक उमेश 4 बहनों का अकेला भाई था। जब मृतक का आरोपी के साथ शादी में झगड़ा हुआ तो उमेश की बहन भी वहां मौजूद थी। उसने ही पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस ने सतर्कता से घटना के महज 1 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उपरोक्त 5 आरोपियों पर राइट और एट्रोसिटी की कलम लगाई गई है। मामले में आगे की जांच पांचपावली थाना अंतर्गत की जा रही है। काल दिनांक 4 तारखेला रात्री 11 वाजता सुमारास पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली की पंचशील नगर या ठिकाणी भांडण चालू आहे। अशा माहितीवरून पोलीस स्टाफ तात्काळ त्या ठिकाणी गेला। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर समजलं की उमेश नरेंद्र नंदेश्वर नावाचा युवकाला काही लोकांनी मारहाण केलेली आहे आणि त्याला उपचारकामी मेयो हॉस्पिटल येथे रवाना करण्यात आलेले आहे। मेयो हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर जखमी हा मृतक मरण पावला होता। त्यांची बहीण श्रीमती वैशाली रवे उईके यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की आरोपी नामे अंशुल विष्णू पांडे, शुभम नथ्थूजी गजबीये, अक्षय भीमराव वासनिक, सम्यक संजय वासनिक, क्षितिज रक्तदीप लोखंडे ह्या आरोपितांनी जुन्या भांडणाच्या कारणावरून त्याचा राग मनात ठेवून उमेश नंदेश्वर याला चाकूने मारून गंभीर जखमी करून त्याच्या मरणास कारणीभूत झालेला आहे। यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे आणि ह्या 5ही आरोपींना तात्काळ गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे। या 5ही आरोपीचा जे आहे ते मृतकसोबत जुन्या कारणावरून वादविवाद झालेला होता आणि 2-3 दिवसापूर्वी भांडण झाल्याचे समजलेले आहे। सदर गुन्हा आता प्राथमिक तपासावर आहे। तपासानंतर आणखी त्याची अवस्था कळून येईल आपल्याला। 5ही आरोपींचा रेकॉर्ड आम्ही सिस्टममध्ये चेक करत आहे। सदर गुन्ह्यात गैरकायदेची मंडळी दमवून खून करण्यामुळे गैरकायदेची मंडळी आणि 302 गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। तसेच सदर गुन्ह्यामध्ये ॲट्रॉसिटी सुद्धा लावण्यात आलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठाण, BCN न्यूज नागपूर। What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call